राजस्थान में 2 मार्च को इटली से जो हमारे टूरिस्ट आए थे वो पहले पॉजिटिव केस के रूप में यहाँ चिन्हित हुए। उस वक्त तक हमारे पास राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। उनका भी जो सैंपल लिया गया उसको हमने पूना वायरोलॉजी लैब में भेजा। एक दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आई, तभी हमारे चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटीज डेवलप करने के निर्देश दिए और पहला पॉजिटिव केस आने के साथ साथ हमने, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर में, 8 फ्लाइट्स आती थी वहाँ से, तो 24 आवर्स वहाँ हमने डॉक्टर्स की टीम और नर्सिंग स्टाफ की टीम लगा दी। जो भी पैसेंजर उतरे 22 तारीख तक, जब तक ये फ्लाइट्स चली इंटरनेशनल, हमने हर जो पैसेंजर, चाहे वो फॉरेनर थे चाहे हमारे देश के जो बाहर घूमने गए थे लोग, सबकी स्क्रीनिंग की और उनमें जो सिम्टोमेटिक केसेस थे उनके सैंपल लिए और उनकी जांच की व्यवस्था की। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये जो पहला पॉजिटिव केस आया था ये दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा था, 23 लोगों का डेलीगेशन था, ये टूरिस्ट डेलीगेशन, वो वहां पे इनकी स्क्रीनिंग हुई या नहीं हुई हमारे जानकारी में नहीं था और ना इनका ट्रेवल प्लान हमको मालूम पड़ा था। ये लोग राजस्थान में ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे घूम गए, मंडावा गए, ये बीकानेर गए, जैसलमेर गए, जोधपुर आए, उदयपुर गए और उसके बाद जयपुर आए। जयपुर आने के बाद उस इटालियन टूरिस्ट की तबीयत खराब हुई, एम्बुलेंस मंगाई, एक दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए। वहां से उन्होंने जब इनके सिम्टम्स देखे, ये तो कोविड पेशेंट हो सकता है, तो उन्होंने हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में, जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ रेफर किया। उसके बाद हमने यहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की। राजस्थान में वॉर फुट पे कोविड-19 की लड़ाई की तैयारी शुरू हुई। जितने मेडिकल कॉलेजेस थे राजस्थान में उनके आरआरटी रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की गई। 1 लाख क्वारंटाइन बेड की राजस्थान में व्यवस्था हो इसके निर्देश दिए गए। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स पूरे स्टेट में करीब 57 बने, उसकी तैयारी की डायरेक्शन जारी की गई और टेस्टिंग फैसिलिटी 5-6 दिन बाद ही हमारे यहाँ शुरू हो गई। पहले हमारी पर डे टेस्टिंग कैपेसिटी कम थी, फिर हमने 8 जगह पे डेवलप की। आज हमारे पास 10 जगह राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी है और हम पर डे 4,700 टेस्ट कर सकते हैं और आने वाले 10 दिन में राजस्थान 10,000 टेस्ट पर डे, आरटीपीसीआर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये हम पर डे कर पाएंगे। और चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिए हैं कि चाहे लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है, राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इतना मजबूत बनाएं कि राज्य के हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पे, हमारे 33 जिले हैं, 33 जिलों पर हमारी टेस्टिंग की फैसिलिटी आने वाले 1 महीने में हम डेवलप करेंगे।